थोड़ा मशीन में आपका स्वागत है आज आपके लिए हम लेके आ गए हैं टू प्लस टू छोड़ा बोटलिंग प्लांट प्लस इस मशीन के अंदर जो है आठ एक्स्ट्रा नो जल्दी हुए जिसके अंदर आप जो है वाटर फिलिंग कर सकते हो जूस फिलिंग कर सकते हो और सभी तरह के जूस और लिक्विड इस मशीन में फिल कर सकते हो यानी ये जो मशीन है इसके अंदर आप जो है सभी तरह के सोडा की, की बोतल फिल कर सकते हो 200 दो सौ से लेकर 2 लीटर तक की सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक कोला हो गया जीरा हो गया फेंटा लेमन सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक इस मशीन से फिल कर सकते हो इसके अलावा इस मशीन में जो है कस्टमाइज़ हमने किया है वो कस्टमाइज़ के अंदर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन के अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार हेड का जूस फीलिंग मशीन याप लगाया हुआ है दोस्तों इस मशीन के अंदर आप जो है सभी तरह के जूस निकाल सकते हो सोडा की बोतल बर सकते हो यानी कि ये मशीन जो है ऑल इन वन सॉल्यूशन है कस्टमाइज मशीन है इस मशीन की पूरी जानकारी देंगे उसके अलावा अगर आपको वाटर फिलिंग करना है तो किस तरह करना हो किस तरह का वाटर इसमें फिल कर सकते हो कौन से कौन से जूस फिल कर सकते हो पूरी जानकारी आपको देंगे तो सबसे पहले अगर आप सोडा का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी दे दूँ मशीन जो है हमारा ये है टू प्लस टू सोडा फिलिंग मशीन है जिसमें यहाँ पे दो सोडा के वाल यहाँ पे दिए हुए हैं उसके अलावा दो यहाँ पे फ्लेवर दिए हुए हैं यानी इस मशीन को इजीली दो बंदे और खड़े होकर यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं जिसमें यहाँ पे डबल कैपिंग मोटर दिया हुआ है आपको इस साइड में भी एक बंदा आपका मशीन ऑपरेट कर सकता है इसके लिए कैपिंग मोटर यहाँ पर दिया हुआ है उसके अलावा यहाँ भी सोडा का वाल फ्लेवर और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कैपिंग मोटर यहाँ पर दिया हुआ है मशीन का जो प्रोसेस है वो पूरा जो मशीन है पी बेस्ड मशीन है यानी कि पूरा मशीन एम सेटिंग सेटिंग पे पेपर वर्क करता है जिस नोजल में जितने एम निकालना हो उतना एम आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो फिलहाल जो है मशीन के अंदर यहाँ पे दो सोडा के वाल दिए हुए हैं उसके अलावा दस वाल दिए हुए फ्लेवर के दो सोडा के वाल दिए हुए और दस वाल फ्लेवर के दिए हुए जिसमें चार यहाँ पे जूस फिलिंग के लिए दिए हुए और चार आपको इस साइड में जूस फिलिंग के लिए दिए हुए और सभी वाल का सेटिंग जो है पीएलसी में दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फ्लेवर जो दिया हमने है यहाँ पे सोडा के दो नोज़ल दिए हुए हैं फ्लेवर के चार नोजल इस पैनल में दिए हुए हैं आप नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पैनल आ जाएगा जिसमें चार फ्लेवर यहाँ पे आपको दिए हुए और यानी दोस्तों ये जो आपके जो टोटल जो बारह नोजल हैं जिसमें दो सोडा के नोजल हैं उसके अलावा चार प्लस चार जूस के नोजल दिए हुए हैं और यहाँ पे सिरप के सोडा के लिए दो यहाँ पे वाल दिए हुए इस सभी नोजल का सेटिंग जो है आप पीएलसी मशीन से कर सकते हो मशीन की आपको मैं साइज़ की बात करूँ तो ये मशीन का टू टू जो हमारा है टू प्लस टू प्लस टू प्लस आठ टू प्लस टू प्लस टू एट यानी कि दो प्लस दो दो फोड़ा दो फ्लेवर और आठ जो जूस के फ्लेवर में दिए हुए इस मशीन की इस बॉडी का साइज है दो सौ इंच मशीन सामने से है पचपन इंच चौड़ा है और साइड जो है वो इसका फोर्टी एट इंच का है और हाइट जो है इसकी वो अप्रोक्स है सिक्सटी नाइन सेवेंटी इंच का इसमें हाइट दिया हुआ है उसके अलावा दोस्तों मशीन के अंदर यहाँ पर डबल टैंक भी दिए हुए हैं दोस्तों इस साइड में भी आपको यहाँ पर चार जूस के नोजल दिए हुए हैं इस जूस के नोजल में आप जो है यहाँ पर बोटल रख के कोई भी जूस मैंगो हो माज़ा हो लीची हो पाइन हो सभी तरह के जूस या लिक्विड या वाटर फिलिंग कर सकते हैं दोस्तों ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी एक वाटर उनको फिल करना था मशीन में जो है एल्कोलाइन वाटर आप फिल कर सकते हो एल्कोलाइन वाटर फिल करना ईजी है उसके अलावा फ्लेवर वाटर भी फिल कर सकते हो उसके अलावा मिनरल वाटर में जाना हो तो उसकी जानकारी लेने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए किस तरह फिलिंग कर सकते हो सभी तरह की जानकारी आप लेने के लिए नीचे नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर जान कॉल करके आप फुल जानकारी ले सकते हो तो यहाँ पे जो है कस्टमर इजीली आप मैंगो माज़ा पाइनएप्पल की सभी तरह की जूस की बोतल बर सकता है यहाँ पे चार नोजल दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके पुश बटन दिए हुए और यहां पे जूस फिलिंग का कैपिंग मोटर दिया हुआ है जूस फिलिंग साइज का जो कैपिंग मोटर है यहां पर दिया हुआ है उसके अलावा कस्टमर को यहाँ पे डबल साइड में दोनों तरफ बोटल वॉशिंग मशीन दिया हुआ है तो कस्टमर यहाँ बोटल वॉश करके यहाँ पे फिलिंग कर सकता है और 200 सौ से लेके ढाई लीटर तक की जूस की सभी बोटल इसमें फिल कर सकते हो और 200 सौ से लेके ढाई लीटर ले तक की सभी तरह की सोडा की बॉटल इसमें फिल कर सकते हो सेम हमने जो सिस्टम दिया हुआ है वो आपको राइट साइड में दिया हुआ है यानी दोनों तरफ दो बंदे यहाँ पे जूस फिलिंग कर सकते हैं और दो बंदे यहाँ पर सोडा का फिलिंग कर सकते हैं यानी कि मशीन पर जो है आप सभी तरह का फिलिंग कर सकते हैं सामने जो है मशीन सोडा फिलिंग मशीन की तरह काम करेगा और दोनों साइड में जो है मशीन में मैंगो माजा जूस फिलिंग की तरह आप मशीन काम करता है ऑल इन वन मशीन आपको यहां मिल जाता है मशीन के अंदर यहां पे आपको डेढ़ डेढ़ टन के दो कंप्रेसर दिए हुए हैं आपको दिखा देता हूं चिलर टैंक और दोस्तों देख सकते हो मशीन के अंदर यहां पे 150 150 लीटर का दो चिलर टैंक दिया हुआ है यहाँ पे डेढ़ सौ लीटर का इंस्टेंट कूलिंग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर ए डेढ़ टन का कूलिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है इमर्सन क्लॉस्कर कंपनी कम्परे का कंप्रेसर मशीन में यहाँ पे लगा हुआ है और पूरा मशीन का जो बॉडी है वो एस एस से बना हुआ है हेवी गेज में एस एस से पूरा मशीन बना हुआ है उसके अलावा यहाँ पर डेढ़ सौ लीटर का आपको जो आइस बैंक सिस्टम कूलिंग सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर पंद्रह पंद्रह लीटर के दो कार्बन टैंक लगे हुए हैं और डबल सोडा कोयल लगी हुई हैवी एस एस थ्री जीरो फोर की डबल सोडा कोयल लगी हुई है जिसमें फुल स्ट्रॉन्ग सोडा बना कर दसीन देती है ये जो मशीन है आपका आइस बैंक सिस्टम से काम करता है यानी पूरा दिन आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपके मशीन का आपके सोडे का जो प्रोडक्शन का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है ताकि सोडा जो आपका सुबह से लेकर शाम तक फुल स्ट्रॉन्ग सोडा आपके यहाँ पे आता है यहाँ पे आप देख सकते हो सभी जूस के वाल यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे सभी जो जूस के वाल दिए हुए सब पे देख सकते हो यहाँ पे आ, मार्किंग क्या हुआ है वाटर सोडा वन टू थ्री फोर यानी सभी तरह के जूस के वाल है इसमें आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इस दोस्तों ऑपरेटिंग की बात करूँ तो मशीन जो है ऑपरेट करना बहुत ही आसान है मशीन में यहाँ पी सिस्टम दिया हुआ है और सभी स्विच पर यहाँ पर देख सकते हो आप मार्किंग की हुई है पंप का स्विच है इंडिकेटर का स्विच है सोडा का स्विच है फ्लेवर का सिरप है और सभी तरह के जो यहाँ पे जो है फ्लेवर्स जो स्विच है उनके ऊपर मार्किंग यहाँ पे की गई है मशीन में आपको या यहाँ पे सोडा फिलिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक में सबसे पहले आपको सोडा फिलिंग करना होता है जिसके लिए जितना एम सेटिंग करना उतना एम एल यहाँ आपको फिल कर देना है सोडा के नीचे बॉटल रख के आपको बॉटल पुस्ट करना है सबसे पहले सोडा आएगा उसके बाद आपको फ्लेवर मिक्स करना है और उसके बाद यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर कैपिंग कर देना है तो सोडे का और जूस का दोनों तरह का ही बिजनेस इसमें मशीन से आप कर सकते हो सोडा की कॉस्टिंग की बात करूँ तो 200 सौ की बोतल का अगर प्रोडक्शन करते हो तो एक बोतल पड़ती है आपको पाँच रुपये की यानी 24 पीस का कैरेट बनाएंगे तो एक सौ का एक कैरेट आपको पड़ता है जिसको मार्केट में सेल कर सकते हो आप डेढ़ सौ या वन सिक्सटी रुपये में आप सेल कर सकते हो यानी पर कैरेट आपको तीस से चालीस रुपये का प्रॉफिट इसमें रहेगा अब आपका जो डीलर को जो है आप डीलर को सेल कर सकते हो वन में डीलर जो सेल कर सकता है इसको दुकान पे 180 में 190 में और दुकान वाला सेल कर सकता है इसको 240 में यानी दो सौ में एक बोतल दस रुपये की 24 पीस कैरेट के अंदर तो बहुत ही शानदार तरीके का बिजनेस है इस मशीन से, से रोजाना आप जो है सिर्फ़ सोडा बेच कर आठ से दस हज़ार कमा सकते हो उसके अलावा यहाँ पे चार प्लस चार आठ नोजल दिए हुए जूस के जिसमें आप मैंगो वाटर फिलिंग कर सकते हो जूस फिलिंग कर सकते हो एल्कलाइन वाटर कर सकते हो फ्लेवर वाटर कर सकते हो मैंगो माजा पाइनएप्पल लीची सभी तरह के जूस फिलिंग कर सकते हो यानी एक्स्ट्रा भी आप उस मशीन से जो पंद्रह बीस हज़ार का धंधा कर सकते हो यानी यह मशीन लगा के आराम से आप पंद्रह बीस हज़ार का धंधा रोजाना कर सकते हो दोस्तों तो बहुत ही शानदार तरीका का मशीन है इसमें सोडा वोटलिंग प्लांट में हमारे पास में कम बजट में जाना हो तो भी हमारे पास में ऑप्शन है <laughs> जिसमें वन प्लस वन छोटा बोटलिंग प्लान आता है आपकी रिक्वायरमेंट अगर हज़ार पंद्रह सौ बोटल निकालना डेली हो तो भी निकाल सकते हो इसके अलावा हमारे पास में ये वन प्लस थ्री छोटा बोटलिंग प्लान आता है यहाँ पे ये वन प्लस थ्री सोडा बोटलिंग प्लांट है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तीन हज़ार से चार हज़ार बोटल निकालने का तो वन प्लस थ्री सोडा बोटलिंग प्लांट भी आपको मिल जाएगा इससे बड़े में जाना हो तो टू प्लस टू प्लस टू सोडा बोटलिंग प्लांट हमारे पास में ये वाला मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी सोडा की आठ से नौ हज़ार बोटल निकाल सकते हो उसके अलावा जूस की इस मशीन में दस दस हज़ार यानी बीस हज़ार बोटल जूस की निकाल सकते हो यानी टोटल लगभग तीस हज़ार बोटल का प्रोडक्शन दो सौ एम एल की तीस हज़ार बोटल का प्रोडक्शन ये मशीन आपको डेली करके दे सकता है दोस्तों इस मशीन में यहाँ पे चार कैपिंग मोटर लगे हुए हैं उसके अलावा यहाँ पे आपको दो सोडा के वाल और आठ फ्लेवर के वाल दिए हुए हैं तो सभी तरह का सोडा सभी तरह का मैंगो माजा जूस इस मशीन से फिल कर सकते हो इसी तरह का सोडा बोटलिंग से ऊपर आपको जाना हो तो फिर हमारे पास में रोटरी फिलिंग मशीन आता है जिसमें 12 बी 18 एम अठारह बी पी में आवर, हमारे पास में अवेलेबल है यानी सभी तरह की आपको डेली के दो हज़ार बोटल चाहिए तो आपको हमारे पास से मशीन मिल जाएगा डेली की आपको बीस हज़ार बोटल चाहिए तीस हज़ार बोटल चाहिए तो भी आपको हमारे पास में मशीन मिल जाएगा तो सोडा की मशीन का सभी तरह का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा उसके अलावा इससे अगर आप सेमी ऑटोमेटिक भी जाते हो या फिर रोटरी फिलिंग मशीन में जाते हो तो आपको अगर डेट कोडिंग मशीन की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास में ऑटोमेटिक डेट कोडिंग मशीन मिल जाता है ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन मिल जाता है ऑटोमेटिक तो वेब सीलिंग मशीन मिल जाता है यानी सोडे की ऑल इन सोल्यूशन आपको कोल्ड डेक्स सोडा मशीन के पास मिल जाता है तो दोस्तों सभी तरह की सोडा बोटलिंग प्लांट खरीदने के लिए कॉन्टेक्ट कौन्ट, कीजिए कोलडेक सोडा मशीन से थैंक यू फॉर वॉचिंग कोलडेक फोड़ा मशीन